उत्तानपाद की दो रानियां हैं सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद ये जीव ही है, मनुष्य ही है, उत्तानपाद का भाव है पैर ऊपर सिर नीचे। तो जब मनुष्य का जन्म होता है तो पहले सिर नीचे पैर ऊपर, उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर। तो इस मनुष्य की दो पत्नियां हैं, ये पत्नी क्या है, ये चित्त की जो वृत्तियां हैं। वैसे तो बहुत सी वृत्तियां होती हैं पर दो प्रमुख हैं, सुनीति और सुरुचि। सुमति कुमति सबके ऊर राही, सुमति कुमति सबके ओर रही, सुमति कुमति सबके ऊर रही, सुमति कुमति सब के ओर रही। नाथ पुराण वेद अस कहीं, नाथ पुराण वेद अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति दाना। सुमति कुमति सब के ऊर रही, सुमति कुमति सब के ऊर रही, सब के ऊर रही। सुनीति और सुरुचि, एक वृत्ति तो पापों में प्रवृत्त करती है, एक पुण्य की ओर ले जाती है। एक विचार बनता है कि अरे मनोरंजन कर लें, मन को राजी करने के लिए विषयों में भोगों में आकृष्ट होने के लिए एक प्रेरित करती है और दूसरी कहती है नहीं नहीं, इन चीजों में क्या रखा है, व्यर्थ समय बर्बाद करके अपने जीवन के मूल क्षण को क्यों खराब कर रहे हो, अरे चलो कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, संतों का संग कर लो। वह सतोगुणी वृत्ति सुनीति नीतिमय धर्ममय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उत्तानपाद दोनों पत्नियों में से सुरुचि से अधिक प्रेम करता है। मनोमंथन के लिए कम समय है, मनोरंजन के ज्यादा समय है। परिणाम दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुआ है। दोनों कर्म का परिणाम रहता है, हमारे बीच धर्म संघ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विदिश दत्त जी आचार्य श्री कृपापूर्वक पुनः पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत।
फल, कर्म का फल तो है, नीति युक्त जीवन जीने का परिणाम है, क्या उसका परिणाम स्थिर है, अटल है, सदा रहने वाला है, जिसका नाम ध्रुव। और सुरुचि का भी पुत्र है, फल है, स्वेच्छाचार का परिणाम, मनमाना करने से मन प्रसन्न होता है, अच्छाई का अनुभव होता है कि अरे बहुत आनंद आया, उत्तम लगता है, श्रेष्ठ लगता है, लगता है वो होता नहीं। सुरुचि का पुत्र उत्तम है, सुनीति का पुत्र ध्रुव है। एक दिन खेलते हुए ध्रुव अपनी पिता की गोद में बैठने के लिए, क्रीड़ा करते हुए बालकों के साथ पहुंच गए हैं और ज्यों ही पिता की गोद में चढ़ने लगे तो यह गोद इसे न मिल जाए, इस गोद का, इस सिंहासन का अधिकारी तो वो होगा जिसको मैं चाहूंगी। सुरुचि कह रही है ये गोद, ये सिंहासन तेरे लिए नहीं है। नवत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति, अरे तुमने किसी अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है इसलिए ये गोद, ये सिंहासन तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि वास्तव में तू यहां आना चाहता है, इसको पाना चाहता है, तो इसके तेरे लिए उपाय है। तपसाराध्य पुरुषम मे तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। अगर तू इस पद का अभिलाषी है तो जा परम पुरुष की आराधना कर, वो अनुग्रह करेंगे। जब वो अनुग्रह करेंगे तो मैं बस तेरे लिए इतना कर सकती हूं, गर्भे त्वं साधयात्मानं, मैं तुम्हें गर्भ में धारण करूंगी। सुरुचि ने क्या कह दिया कि यदि तू इस पद को चाहता है तो जाकर तपस्या कर, तप करेगा तो तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, तो उनसे वरदान मांग लेना, फिर मैं तुझे गर्भ में धारण करूं। सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना महान मान लिया, भगवान की तपस्या, भगवान का दर्शन से भी बड़ा, कि वो तो पहले मिलेगा, मेरा गर्भ तुम्हें बाद में मिलेगा। फटकार दिया है ध्रुव को, खबरदार अब अगर दोबारा इधर नजर किए। बालक ध्रुव रोता हुआ सिसकियों से, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं ऐसी स्थिति है ध्रुव की, वह अबोध बालक 5 वर्ष का ध्रुव रोता बिलखता पहुंचा है। उस स्थिति कैसी है, जैसे किसी सर्प को कोई डंडे से पीटे और वो मरता नहीं, वैसे ही छटपटा रोते हुए ध्रुव को सुनीति ने देखा, अपने पुत्र को हृदय से लगाया, बेटा क्या हुआ। ध्रुव की स्थिति यह है कि वो ये नहीं कह पा रहा कि क्या हुआ मुझे। साथ के बालकों ने बताया, जब सही बात का पता चला, रोने का कारण ज्ञात हुआ, तब सुनीति, धन्य है ध्रुव की माता, अपनी सौत से नाराज नहीं हुई, उसको गालियां नहीं दी कि कौन होती है ऐसा बोलने वाली, हो अभी मैं उसे देखती हूं, ऐसा नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और क्या कहती है, सत्यम सुरुच्या भीमतम विभाषसे
मम दुर्भगाया उदरे गृहीता आराधया धोक्षज पाद पद्मम् यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा सुरुचि ने जो कहा है बेटा सही ही तो कहा है। तूने मुझ अभागिनी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है तो तुझे दुख तो पाना ही पड़ेगा। बेटा वास्तव में यदि तू श्रेष्ठ पद चाहता है तो आराधया अधोक्षज पाद पद्मम, उन अधोक्षज भगवान के पाद पद्मों का चिंतन कर। यदिच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा, श्रेष्ठतम आसन पद उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। उनकी कृपा से के बिना कोई महान बन नहीं सकता। ध्रुव ने मां को प्रणाम किया। ठीक है, अगर उनकी प्राप्ति से ही श्रेष्ठ पद मिलेगा तो ठीक है, मैं उनको पाने जा रहा हूं। ध्रुव जी ने अपनी मां की परिक्रमा की, प्रणाम किया, चला। लेकिन भगवान को पाना सरल तो नहीं, लेकिन जब भगवान ही दर्शन देना चाहते हो, जब भगवान की कृपा से ही घटना घट रही हो, तो फिर कहां बाधा है। जिसने ये सारा खेल बनाया है, विमाता से डांट पड़वाई है, पिता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और जिसने छोटे से बालक को मां की अनुमति दिलाकर घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं ने ही सदगुरु की व्यवस्था की है। देवर्षि नारद चलते हुए आ गए। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान की, छोटे से बालक ध्रुव को समझाया। पहले तो समझाया बुझाया कि तुम्हारी अभी भजन की तपस्या की उम्र नहीं है, अभी ये हट छोड़ो, पर ध्रुव तो सुस्थिर मन से भगवत प्राप्ति की दिए जा रहा है। गुरु जी ने देखा कि चेला तो पक्का मिल गया, क्यों ना कान फूंको मंत्र दिया है और उपदेश दिया। मंत्र से भी आवश्यक समझा उपदेश। मंत्र जपने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, मंत्र जपने से इष्ट प्रसन्न होता है, मंत्र जपने से साधना की सिद्धि प्राप्ति होती है। मंत्र भय से बचाता है, लेकिन व्यवहार जगत में व्यवहार कैसा करना चाहिए, मंत्र से ही समझ नहीं आएगा। व्यवहार परक शिक्षा नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान की। क्या कहा? गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्री समानादन विच्छेन्न तापैरभिभूयते। नारद जी कहते हैं बेटा ध्रुव, जीवन यात्रा में याद रखना, कभी अपने से अधिक गुण वाला मिल जाए, अपने से बड़ा मिल जाए, अपने से श्रेष्ठ मिल जाए, तो अधिक गुण वाले का आदर करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अपने से छोटा मिल जाए तो उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए, और अपने समान हो उसके साथ मैत्री रखनी चाहिए। नारद जी ने विदा किया ध्रुव जी को।